हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड, आपको यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट एक बात बताने जा रही हूँ जो आपके एक बहुत काम की चीज़ हो सकती है। आपको यदि नहीं मालूम है तो इसे ज़रूर देखिए। आपकी स्किन पे यदि टैन हो जाती है, आपकी स्किन सांवला है, तो यह आपके लिए वीडियो है फ्रेंड। आप इसे ज़रूर देखिए और केवल एक चीज़ से, मात्र एक चीज़ से जो किचन में अवेलेबल रहता है, आपका स्किन फेयर हो सकता है, क्लीन हो सकता है, दाग धब्बे जो हमारे स्किन पे हो जाता है ना, वो दूर हो सकता है। तो चलिए एक आलू को अच्छी तरह से कट कर लेते हैं, धो करके, देखिए इस तरह से, और बीच में उसे चाकू से हम लोग छेद छेद कर देंगे ताकि अंदर का रस है ना वो निकल जाए। तो रस का फ्रेंड यहाँ पर बहुत अच्छा यूज है, क्योंकि यह रस ही है जो हमारे स्किन के टैन को हटाती है, गंदगी को दूर करती है, स्किन को फेयर बनाता है, समझे ना फ्रेंड। और कोई भी क्रीम खरीदने की मार्केट से ज़रूरत नहीं है फ्रेंड, आप इस तरह ज़रूर यूज कीजिए। एक आलू को काटिए, उसमें हल्का हल्का चाकू से छेद कर दीजिए, देखिए, ताकि अंदर का जो रस है वो बाहर निकल जाए, और अपने फेस पे राउंड राउंड करके इसे हल्का हाथों से मसाज कीजिए फ्रेंड, इस तरह से। तो देखिए, धीरे धीरे थोड़े ही दिनों में आपका स्किन का जो कलर है ना वो फेयर होने लगेगा, दाग धब्बे दूर होने लगेंगे। इसे 2 मिनट मसाज करने के बाद फ्रेंड, हम लोग आधा टमाटर लेते हैं, आधा टमाटर का अब रस से उसी जगह पे मसाज करेंगे। अभी पानी से धोना नहीं है फ्रेंड, जो हमने रब किया ना आलू से, उसे पानी से धोना नहीं है, उसी के ऊपर फिर से हम लोग टमाटर के रस को आलू से ही रब कर देंगे। तो दोनों का मिक्स हो गया फ्रेंड। ये नेचुरल चीज़ है जो आपको मार्केट में तो बना बनाया मिलता है, बहुत सारे केमिकल होता है, उसका साइड इफ़ेक्ट बहुत होता है फ्रेंड। तो इसे बिल्कुल भी बाहर का यूज मत कीजिए, जो हमारे किचन में अवेलेबल है ना उसी को यूज कीजिए, समझे ना फ्रेंड। तो देखिए, टमाटर के रस को अच्छी तरह से हम लोग पूरा बार बार, यदि ड्राई होता है तो बार बार लेके उसे मसाज करते हैं। कम से कम आधे टमाटर को एक दिन में यूज कर लीजिए, और कुछ नहीं, केवल टमाटर और आलू। उसके बाद यदि एक बार रब हो गया फ्रेंड, तो उसके बाद हम लोग हल्का सा लेमन, 4 से 5 बूंद लेमन मिलाएंगे इसमें, और फिर से इसे हम लोग उसके ऊपर अच्छी तरह से मसाज कर देंगे, रब करेंगे, राउंड राउंड ही रब करेंगे फ्रेंड। कभी भी ऐसे ऊपर नीचे करके रब नहीं करना चाहिए फेस को, राउंड राउंड करके और बाहर की ओर हमेशा रब करना चाहिए, अंदर से लेकर के बाहर की ओर रब करेंगे फ्रेंड, और राउंड राउंड करेंगे, ताकि सर्कुलर मोशन में रब करने से हमारा स्किन जो है वो चमकता है, शाइनिंग देता है। तो देखिए, इस तरह से फिर से मैं आलू के ऊपर ये जो मैंने बनाया है टमाटर और लेमन का रस को फिर से लगाएंगे फ्रेंड, और फिर से उसी जगह पे मसाज करेंगे। ये हमारा 3 स्टेप हम लोग करेंगे फ्रेंड। तो देखिएगा, आप 15 से 20 दिन इसे कीजिए, 3-3 4-4 दिन गैपिंग पे, तो देखिए आपका दाग धब्बा फ्रेंड धीरे धीरे मिट जाएगा, बिल्कुल ही मिट जाएगा। कोई भी क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड, और बाहर से कोई भी क्रीम खरीदने की ज़रूरत नहीं, पैसा बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड। आप चाहे तो और भी किचन में बहुत सारे सब्जी रहता है, वेजिटेबल यानी कि वेजिटेबल और फ्रूट्स रहता है, उसको स्किन पे मसाज कीजिए, कुछ भी मसाज कीजिए, आपका स्किन ग्लो ही देगा फ्रेंड। ऐसे तो बहुत सारे नेचुरल चीज़ें हमारे किचन में, जो हमारे घर में ही मिलते हैं, तो इसका यूज हमेशा किया कीजिए। और मैं अपने वीडियो में, मैं अपने चैनल पर हमेशा इस तरह का रेसिपी लेके आती हूँ फ्रेंड। इसे देखिए और इसे यूज कीजिए, देखिए आपका स्किन बहुत जल्दी चमकने लगेगा, दाग धब्बे जितना भी है आपके स्किन पे दूर हो जाएगा, स्किन आपका यदि सांवलापन है तो धीरे धीरे गोरा होगा। तो फ्रेंड, मेरा यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा यदि आप नए हो चैनल पर तो, और वीडियो को फ्रेंड जरूर से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। फिर से मिलते हैं फ्रेंड इसी तरह का नया रेसिपी के साथ, जो आपको स्किन को हमेशा के लिए क्लीन अप रखेगा, दाग धब्बे को दूर रखेगा। और प्लीज़ फ्रेंड, मेरे चैनल को ज़रूर विजिट कीजिए, बहुत अच्छा अच्छा रेसिपी वहाँ पे दिया हुआ है। तो फिर से मिलते हैं फ्रेंड, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।